लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। पतो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है। आज देश में हर आदमी दुखी। एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। खारगे जी ने आप लोगों को बताया, he has already mentioned everything whatever we discussed in the meeting. So I thanks to everybody and thanks the Indian press, international, national, state and region. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ, पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खारगे जी ने आपको फुल फ्लेज्ड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया, द अदर पीपुल कैन यू चैलेंज इंडिया। वी लव अवर मदरलैंड, वी लव, वी आर द पेट्रियोटिक पीपुल ऑफ दिस कंट्री, वी आर फॉर यूथ, वी आर फॉर स्टूडेंट, वी आर फॉर फार्मर्स, वी आर फॉर किसान, वी आर फॉर दलित्स, वी आर फॉर गुड इकोनॉमी, वी आर फॉर द कंट्री, वी आर फॉर द वर्ल्ड। So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program, it will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious, terrible. Same atrocious, terrible from Manipur. Save the people of India. Save India. इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं
थैंक यू सो मच. आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ द पोलिटिकल पार्टी. दे हैव एक्सेप्टेड द स्लोगन्स ऑफ इंडिया, दिस नेम अलायंस, द मेन फाउंडेशन वी स्टार्टेड फ्रॉम टूडे. नेक्स्ट महाराष्ट्र द मीटिंग विल बी देयर. दे आर द कोर कमिटी एंड अदर द मैनिफेस्टो द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और वॉट एवर यू से द जॉइंट कमिटी सब एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड दे आर ऑल्सो. सो द मीटिंग डेट खारगे जी विल इन्फॉर्म यू लेटर ऑन. आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत दे के जिताया था. इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है. हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे. इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी. आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है. तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए. हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए. ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा. लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है. वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है. और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है. देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है. और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है. आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है. इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे.